वेलकम टू क्रिकेट थाईलैंड। यहाँ पे सिम मिल रही है, 5G सिम कार्ड। हाउ मच? हाउ मेनी डे? टेक अ लुक। 14 डेज। आई हैव 15 डे। ओके, 15 डेज 699। अनलिमिटेड इंटरनेट, ओपन डाटा, नो लिमिट। ये पूरा पैकेज है 5G का, अनलिमिटेड 699, 15 डेज, 30 डेज 999। या ओके, थैंक यू। आई विल, समझ नहीं आ रहा एयरपोर्ट से सिम लूँ या बाहर जाके सिम लूँ। 699 की 15 डेज अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, सोच रही हूँ बाहर जाके ही ले लूँ। ये भी सिम मिल रही है, VTEC 5G थाईलैंड बेस्ट नेटवर्क नंबर 1। लेट्स सी इसका पैकेज है। मैम Yes, yes. No record, na? Come here, you can earn. Wait. 650 Thai baht unlimited. Hello, internet sir. Welcome. एक सिम इधर मिल रही है, ये true 5G है। इनके चार्जेस देखते हैं कितने हैं, क्या है। 8699 15 days. सेम चार्जेस हैं, 8 days 449, 15 days 699, unlimited. 100 वाट कॉल्स पर। आई एम रियली कंफ्यूज कि यहाँ से सिम लूँ या बाहर से सिम लूँ। लेट मी थिंक अबाउट इट। अभी अपना बैग लेंगे हम। चलो चलो वहाँ चलो। ये रिजल्ट आए थे निशान। एग्जिट होटल एंड टूर रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन। चेक करते हैं। ये टैक्सी फेयर्स हैं पर ये बहुत एक्सपेंसिव है यार। फुकेट टाउन 650, फुकेट टू एयरपोर्ट पेटोंग 800, इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। टैक्सी फेयर तो बड़े एक्सपेंसिव है। काम करते हैं हम, बस का देखते हैं बस का क्या सिलसिला है बाहर जाकर। यहाँ पे सिम मिल रही है, ये मिनी बस है एंड टैक्सीज हैं। देखते हैं पटोंग वैन है, चेक करते हैं। यहाँ पे सारे टैक्सीज हैं, मिनी बस है और वहाँ पे जो है सारे सिम कार्ड्स मिल रहे हैं वहाँ पे भी, पर मैंने अब तक सिम नहीं ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर से लूँ तो मुझे शायद सस्ती पड़े, और बाहर जाती मैं बस देखती हूँ अगर मुझे बस मिल जाए सस्ते में, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो मुझे लग रहा है कि एक्सपेंसिव ही होगा जो भी होगा। ये सारे 15 डेज का अनलिमिटेड जो है वो 699 का ही ये लोग दे रहे हैं सब जगह। देखो मैं सोचती हूँ बाहर जाके 7-Eleven से ट्राई करूँगी सिम। मैक्सिमम स्पीड अनलिमिटेड कॉल्स टू एनी थाईलैंड सेंट्रल एंड 100 MBPS। इंडिया। Where you come from? Dubai. Dubai. You live in Dubai. Yeah. Sim 2. Malaysia. From Malaysia. Yeah. करेंसी हमें एक्सचेंज करवानी नहीं है, हम ऑलरेडी करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। यहाँ से भी एग्जिट हो रहे हैं लोग। ये एग्जिट 1 है, ये एग्जिट 2 है,
ट्राई करते हैं, क्या पता बाहर से भी बस मिल सकती है हमें, नहीं हुआ तो देखते हैं फिर कुछ और सिस्टम करेंगे। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाहर जाके देखते हैं। हम बाहर आ चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर फॉर ग्रुप टूर। इंटरनेशनल डिपार्चर फॉर ग्रुप टूर, क्या ये इंटरनेशनल डिपार्चर है? मैं देख लूँ बस कहाँ से मिलेगी। वो इंटरनेशनल डिपार्चर है, वहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ही तो वो डोमेस्टिक। यहाँ पे बसेस और टैक्सीज जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव है इंटरनेशनल डिपार्चर में। ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बसेस चलती हैं आगे से, तो वो थोड़ी चीप है, 100 baht में कुछ लेके जाएंगी टाउन में। तो हम चलो चल के देखते हैं डोमेस्टिक बसेस कहाँ पर है। वो कह रहे हैं स्ट्रेट नेक्स्ट बिल्डिंग, तो स्ट्रेट चलते हैं, अल्लाह करे हमें 100 baht में कोई बस मिल जाए। लेट्स सी, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक टर्मिनल, वहाँ इंटरनेशनल हाईवे से मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आई हूँ डोमेस्टिक की तरफ, डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बसेस जो है गवर्नमेंट बसेस मिलेंगी जो लेके जाएंगी, तो चलो चेक करते हैं क्या सिलसिला है यहाँ पे बसेस का, कहाँ से हमें बस मिलेंगी। लेट मी चेक, ये लड़का मुझे लेके जा रहा है कहीं शेयरिंग बस के लिए। लेट मी चेक कहाँ लेके जा रहा है। टैक्सी मिनी बसेस, एक बोर्ड नज़र आया है, पब्लिक बस टैक्सी मीटर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो सीधा बोल रहा है, तो सीधा चल के देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डोमेस्टिक डिपार्चर। सी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेट मी चेक। आई थिंक वो पब्लिक बसेस है सामने। सो ये दो बसेस तो खड़ी हैं, पर ये जाएंगी नहीं, मुझे जाना है पुकेट ठाओ, तो उस पर जाएगी ओरिएंट बस। तो ओरिएंट बस अभी आएगी, हम उस पर जाएंगे। पुकेट ठाओ इज ओरिएंट कमिंग, कमिंग हाउ मच? 100 पुकेट ठाओ, यस ओके। एंड टिकट in the bus? Yes. Okay. Thank you. Okay. Phuket Thao jayenge, Orient bus jayegi aur 100 baht mein, wow, 100 baht mein hame Phuket Thao pahuncha degi aur bus aayegi aur bus aur ticket bus ke andar hi milega. Ye to acha ho gaya yaar. It's very cheap. Acha, ek cheez dekhi, hi. कि एयरपोर्ट पे बहुत महंगी महंगी टैक्सीज थी और मिनी बसेस वगैरह थी जो 180-200 तक का रही थी, लेकिन यहाँ पे हम 100 baht में जाएंगे यार, वेरी चीप, वाओ। सी 100 baht, ये पूरी पब्लिक बसेज हैं, इनके सारे स्टॉप लिखे हुए हैं, ब्लू वाले कहाँ कहाँ जाएंगे, ऑरेंज वाले, एंड पी रूट P1 P2 P3, और इनकी टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं। तो हमारी जो है ये ऑरेंज वाली लाइन है, ऑरेंज बस आएगी और हमें जाना है ये पुकेट टाउन में। और मज़े की बात ये है कि सिर्फ 100 baht में जाएंगे, वाओ। वो इंटरनेशनल अराइवल है, वहाँ से बिल्कुल सीधा चलकर आएंगे डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,
बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, ज्यादा नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है जो कि आपको हर जगह लेके जाएगी सिटी के, और सिर्फ 100 बात में। और ये देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और सारे स्टेशंस बस स्टॉप्स लिखे हुए हैं और टाइमिंग भी लिखी हुई है और चार्जेस भी लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल भी मिनी बस और टैक्सी वैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बिल्कुल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बस है, आराम से सुकून से लेके जाएंगी आपको आपकी मंजिल की तरफ। ये देखें फुकेट स्मार्ट कंपनी लिमिटेड, ये बस आ गई है हमारी, देख सकते हैं। और इस बस में बैठ के हम जाएंगे। वो ऑरेंज वाली बस जो है वो पुकेट टाउन जाएगी, 3:30 की टाइमिंग है। वाओ, बस आ गई है हमारी, अब हम इसमें बैठ के जाएंगे पुकेट टाउन। वाओ, ये हम बस में बैठ चुके हैं, बहुत ही कंफर्टेबल बस है, फुल एसी है, सामान रखने की भी जगह है, इनफैक्ट पूरी अटैचियां रखने की जगह है। और मैं बस में बैठ चुकी हूँ, अब बैठ के हम जाते हैं टाउन में, उसके बाद होटल। ये बस के अंदर ही टिकट है, 100 बात का टिकट है, 100 बात देंगे और वो हमको टिकट देगी। ये 100 बात है, 100 बात करेंसी मैंने दुबई में ही एक्सचेंज करा ली थी तो मुझे एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज करवानी नहीं पड़ी, तो ये टिकट हमको मिल गया है और हम इस टिकट को देख सकते हैं। ये बस हमारी चल पड़ी है और 3:34 पे हमारी बस स्टार्ट हुई है, अब हम देखते हैं कि हम कितने बजे पुकेट टाउन पहुंचते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, ये बोल्ट मैंने की थी जिससे मुझे 200 बात लगे और बस से 100 बात पुकेट टाउन आने में, और मैं अपने हॉस्टल तक पहुंच गई हूँ। यार मैं जो है ना अभी अभी बस होटल पहुंची हूँ और होटल पहुंचते ही क्या हैवी बारिश हो रही है यार, मैं जैसे ही पहुंची हूँ और बारिश हो रही है, अगर ये रास्ते में हो जाती तो कितनी डिफिकल्टीज मुझे होती है, अल्लाह से बना लकी यार। वाओ क्या बारिश है, वाओ। सो सात खैर के साथ मैं हॉस्टल पहुंच चुकी हूं, तो सोचा मैंने वीडियो के एंड में हॉस्टल का टूर भी करवा दूं। ये है जेड नाइट हॉस्टल एंड कैफ़े, ये बाहर का एरिया है, यहां पे हम बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं बाहर के साइड भी, और ये अंदर का साइड है, बहुत ही प्यारा कैफ़े लॉन्च है ये, यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, म्यूज़िक चल रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी पिए दिन में रात में सुबह शाम जब दिल करे एनी टाइम ये ओपन है, यहाँ पर आप आके आराम से इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे अपने काम बातचीत, मतलब जस्ट लाइक अ सिटिंग एरिया। और ये होटल का स्टाफ है और किचन है और ये वही लॉन्च का एरिया है, इस लॉन्च में आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच या फिर कुछ नहीं तो बैठ के म्यूज़िक एंजॉय करें और फन करें मज़े करें। और यहाँ पे ये सारे जो है ना फिफी आइलैंड वगैरह जितने भी है ना इनके प्राइस लगे हुए हैं, द बेस्ट प्राइस देखा फिफी आइलैंड के ऑफर्स वगैरह हैं, पैकेज हैं अगर आप घूमना चाहें तो, और चलें अब थोड़ा हम रूम के साइड भी चल सकते हैं। ये 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, तो हमारा रूम जो है वो है सेकेंड फ्लोर पे, मेरा रूम जो है वो फीमेल रूम है जिसमें 4 बेड्स हैं, और किस्मत से कि अभी रूम में एक भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, तो
तो लेट्स सी, मेरा तो दिल किया था कि यार रूम में लड़कियाँ होंगी, मज़ा आएगा, फन करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन रूम में अभी मैं एक ही बंदी हूँ, कोई और नहीं है, तो यहाँ पे भी आराम से हम बातचीत कर सकते हैं। साइड पे भी सिटिंग एरिया है, स्टडी टेबल वगैरह बना हुआ है, और ये जो है ये 2 वॉशरूम्स हैं और दोनों फीमेल वॉशरूम्स हैं, और अगर हम इससे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये बालकनी टाइप का है, यहाँ पे पूरा बाहर का व्यू नज़र आ रहा है, और मौसम तो इतना शदीद प्यारा वाला हुआ हुआ है, बारिश वारिश हर चीज़, और बहुत फर्स्ट डे है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये रूम है, 4 बेड्स भी लगे हुए हैं, फीमेल रूम है, और बहुत ही पुरसकून जेड नाइट हॉस्टल एंड कैफ़े है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, पीसफुल माहौल है, और ये लॉकर्स मिले हुए हैं, काफ़ी बड़ा लॉकर भी है, अगर आपके पास लॉक है तो सही, नहीं तो 60 बात का लॉक आपको मिलेगा, आप ये भी लगा सकते हैं। तो मुझे तो ओवरऑल हॉस्टल बहुत पसंद आया, और ये एक और बालकनी है जो रूम के अंदर अटैच है। तो इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।